बुजुर्गों का कहना है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों से संकेत मिलता है कि भारत में दहेज प्रथा का प्रचलन था, लेकिन भारतीय समाज में दहेज इस वक्त एक ऐसी प्रथा बन गई है जिसकी अच्छाई तो नष्ट हो गई है पर बुराई आज भी अपना तांडव कर रही है। दहेज प्रथा से जुड़ी आगे की बातों से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं AR रहमान सैफी। स्वतंत्रता ईश्वरीय वरदान है, स्वतंत्रता हमारा सिद्ध अधिकार है, लेकिन शायद यह अधिकार भारतीय समाज में महिलाओं को प्राप्त नहीं है, और अगर है तो बावजूद इसके महिलाओं को हर जगह अपमानित क्यों किया जाता है, उनकी आबरू व इज्जत के साथ खेल क्यों खेला जाता है, कभी दलित होने के कारण उनको नंगा घुमाया जाता है तो कभी दहेज प्रताड़ित महिला को जिंदा जला दिया जाता है। दहेज प्रथा एक ऐसी गंभीर समस्याओं के घेरे में घिरा हुआ है जिसकी चपेट में अक्सर गरीब तबके की महिलाओं को ही अत्याचार का सामना करना पड़ता है। भारतीय नारी का जीवन जिन समस्याओं का नाम सुनते ही कांप उठता है, उनमें सबसे प्रमुख है दहेज। सच कहूं तो गरीब माता पिता दहेज के नाम से भी घबराते हैं, वे अपने बच्चों का पेट काटकर पैसे बचाने लगते हैं, यहाँ तक कि रिश्वत गबन जैसे अनैतिक कार्य करने से भी नहीं चूकते हैं। संस्कृत में दहेज के लिए समानार्थी शब्द है दायज। दायज का सही अर्थ है उपहार या दान। पहले किसी वक्त में माँ बाप अपनी बेटियों के विवाह में दायज मतलब उपहार दिया करते थे, क्योंकि उपहार एक पुण्य का कार्य समझकर किया जाता था। लेकिन शर्म तो तब आती है जब विवाह से पहले ही उपहार की मांग कर दी जाती है। कुछ माता पिता गरीब होने की वजह से दहेज नहीं दे पाते हैं तो बाद विवाह लड़की को प्रताड़ित कर उसको उसके गरीब होने का एहसास दिलाया जाता है। कभी कभी तो इतना परेशान किया जाता है कि या तो वह घर छोड़कर मायके चली जाती है या फिर आत्महत्या कर लेती है। प्राचीन भारतीय समाज में दहेज प्रथा के पीछे लालच और सौदेबाजी की कोई भावना नहीं थी जो इस वक्त देखने को मिल रही है। सच कहूं तो अब के भारतीय परिवार कन्या के जन्म से ही भय खाने लगे हैं, लेकिन अब इस घातक दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार करना बहुत जरूरी है, तभी इस घातक दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकेगा। अभी हाल ही में 17 मार्च 2017 को बिहार के टिटियांबर थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक पिता ने अपने 13 साल के मासूम बेटे को मार दिया था, वजह दहेज न मिलना, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यक्रम में दलित समुदाय के लोगों से कहा कि दहेज मांग वाली शादियों में ना जाएं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी देखी जा रही थी जो 18 अप्रैल 2017 को यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। वो वीडियो यूपी के मथुरा में शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर युवा शांति संदेश के कार्यक्रम में एक गरीब घर की बेटी ने अपने बहते आंसुओं के साथ दहेज खत्म करने की मांग की थी, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे देने वाले को राज्य में दहेज प्रथा के कोई मायने नहीं है। दहेज प्रथा की परिस्थिति और बातों के साथ अंत कर मैं AR रहमान सैफी आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन बहुत जल्द एक नई सोच के साथ होगी फिर मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।